हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे टीवी पर आए गद्दी गडेरिया समुदाय के कलाकार, यानी कि गद्दी गडेरिया आर्टिस्ट ऑन टीवी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम आता है संपत देवी पाल का। तो संपत देवी पाल जो है बिग बॉस 6 में आई थी, जो कि कलर टीवी पर चैनल पर प्रसारित किया गया था 12 अक्टूबर 2012 को। और ये फ्रेंड बिग बॉस 3 के जो सेशन था, बिग बॉस 6 का जो सेशन था, उसमें से 34वें दिन आउट हो गई थी। और ये फ्रेंड उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की। तो फ्रेंड आप जानते होंगे संपत देवी पाल ने गुलाबी गैंग फॉर्म किया था, जो औरतों के अधिकार के लिए लड़ता था। और इनको सन 2008 में दुनिया की टॉप 100 वुमेंस में, जो पावरफुल वुमेंस में, उनमें इनका नाम था। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है नाम फ्रेंड मोहित बघेल का। तो मोहित बघेल जो है वो कलर्स टीवी पर एक शो आता था छोटे मियाँ। तो ये छोटे मियाँ जो 2008 में शो आया था, उसमें ये आए थे। तो फ्रेंड इनका स्टेटस मुझे अभी हाल फिलहाल पता नहीं है, लेकिन फ्रेंड ये फाइनल तक पहुँच गए थे। और ये फ्रेंड यूपी सिने स्टार की एक खोज, ये एक उत्तर प्रदेश का ही कोई एक प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने पहली पोजीशन होल्ड की थी। तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में कहाँ के, मथुरा के। मथुरा किस में आता है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बघेल में। तो फ्रेंड मोहित बघेल, जैसा कि आप जानते हैं कि 2008 में ये मोहित बघेल छोटे मियाँ जीते थे या फाइनल तक पहुँचे थे। तो फ्रेंड उसमें एक जजेस थे जिन्होंने इनको फिल्मों में आने का ऑफर दिया, और ये फिल्मों में आए। फिर सन 2011 में इनकी पहली मूवी सलमान खान के साथ आई थी रेडी, जिसमें इनके अमर चौधरी, छोटे अमर चौधरी का जो रोल किया था, उसमें इसको पूरी इंडिया में इनको पसंद किया गया। फिर नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड साक्षी होलकर का। तो साक्षी होलकर जो है वो इंडियन आइडल जूनियर सेशन 2 में आई थी। ये शो जो है सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया था 30 मई 2015 में ये आई थी। तो इनकी अपेयरेंस हुई थी, यानी कि सेलेक्टेड हुई थी ऑडिशन में। तो ये फ्रेंड मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली हैं। तो फ्रेंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साक्षी होलकर का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। अभी वहाँ पर 600 के करीब कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। तो फ्रेंड आप जल्दी से जल्दी साक्षी होलकर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड ये साक्षी होलकर हैं फिल्म स्टार के साथ। नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड अक्षय पाल का। तो अक्षय पाल जो हैं डांस इंडिया डांस 2019 में ये शो आया था जी टीवी पर। तो इनकी टीम थी अक्षय पाल, यानी कि वैश्य सिंघम। तो फ्रेंड ये शो जो है 22 जून 2019 से 29 सितंबर 2019 तक चला था, जिसमें से कि जो अक्षय पाल की टीम थी वैश्य सिंघम, ये 5th पोजीशन पर आए थे। और ओवरऑल जो अक्षय पाल हैं इनकी पॉपिंग डांस में 4th पोजीशन थी। यह मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अक्षय पाल का यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड ये अक्षय पाल है। फिर नेक्स्ट फिर से अक्षय पाल को देखते हैं। तो अक्षय पाल इससे पहले डांस इंडियंस डांसिंग सुपरस्टार में आए थे। ये शो स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था, और ये 3 अगस्त 2013 में आए थे। और फ्रेंड इस शो में फ्रेंड ये वैसे तो फर्स्ट आने चाहिए थे, पर एक MJ5 टीम थी वो फर्स्ट पोजीशन ले गई थी। तो ओवरऑल फ्रेंड ये सेकंड पोजीशन पर रहे थे, यानी कि रनर अप रहे थे। ये भी मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। और फ्रेंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड शक्तिपाल का। शक्तिपाल जो है वो अक्षय पाल के ही भाई हैं। तो ये डांस इंडिया डांस सेशन 4 में जी टीवी पर जो शो आता है उस पर ये प्रसारित हुए थे 27 अक्टूबर 2013 में इनकी अपेयरेंस हुई थी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड इनका भी एक यूट्यूब पर चैनल है, ये डांस टीचर हैं। अगर किसी हमारे कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो हिमाचल से हों, चाहे उत्तर प्रदेश से हों, दिल्ली से हों, राजस्थान से हों, तो फ्रेंड आप इनके ऊपर, आप इनसे डांस को सीखना है तो आप फ्रेंड इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड इनके कई सिखाए हुए बच्चे, जैसे अक्षय पाल इनका भाई भी हैं, और वो सेकंड पोजीशन तक रह चुका है, यानी कि सेकंड आया था, सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और दो स्टार प्लस जैसे और जी टीवी जैसे चैनलों पर ये आ चुके हैं। तो फ्रेंड बहुत बड़ी बात है इनकी, ये एक नेशनल लेवल के डांसर हैं। तो फ्रेंड इनका भी एक यूट्यूब पर चैनल है शक्तिपाल जी का, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड ये शक्तिपाल है।
फिर नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड निखिल बघेल का। तो निखिल बघेल जो है वो टीवी पर एक शो आता था सुपर डांसर सेशन 3, यानी कि जो इसका थर्ड सेशन था। ये जो शो है ये सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ था 29 दिसंबर 2018 में। इसमें फ्रेंड निखिल बघेल की जो है 12वीं पोजीशन थी और इनको एलिमिनेटेड कर दिया गया था 3 फरवरी 2019 को। तो फ्रेंड तो इनको एलिमिनेटेड क्या होता है फ्रेंड, अगर आप कंपटीशन में अच्छे आ रहे हो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप में थोड़ी कमी हुई या कुछ हुई तो आप एलिमिनेट कर दिए जाते हो शोज में, ठीक है। तो फ्रेंड फिर भी ये 6 साल का लड़का था जिस टाइम पर ये शो पर गया था। तो फ्रेंड हमारा समाज अगर किसी शो पर आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इससे समाज का नाम होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये आगरा ज़िले के रहने वाले हैं। आगरा ज़िला है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ बघेल में पड़ता है। और फ्रेंड एक ख़ास बात और है, इनको जो जजेस थी शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर 3 की जज जो थी शिल्पा शेट्टी, उन्होंने इनको टाइटल दिया था रणबीर कपूर ऑफ सुपर डांसर 3। ओवरऑल कहने का मतलब ये फ्रेंड, जो जजेस होते हैं वो किसी जब किसी खास किसी बंदे के डांस से इंप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, तो वो उसका किसी कंपेयर किसी एक अच्छे खासे बंदे या सुपरस्टार से करते हैं। तो उसी तरीके से शिल्पा शेट्टी ने इनको रणबीर कपूर कहा था सुपर डांस 3 शो का। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं सुपर डांस चैप्टर 3 में आए थे, 6 साल के थे निखिल बघेल। फ्रेंड एक मैंने डिटेल काफ़ी खोजने की कोशिश की, जो भदोही के मेरी जान पहचान के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करी, तो फ्रेंड इस बारे में डिटेल नहीं मिल पाई। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये XYZ पाल जी थे, ये भदोही ज़िले के रहने वाले थे, भदोही ज़िला उत्तर प्रदेश का है, और ये अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में आए थे। तो फ्रेंड ये समथिंग कुछ लाख रुपये जीत कर भी ले गए थे, 25 लाख रुपये समथिंग कितने। फिर फ्रेंड कुछ ऐसे लोग हैं जिसको हम वेरीफाइड नहीं कर पाए हैं अभी, ठीक है, तो नॉट वेरीफाइड बट मे बी बिलोंग्स टू गद्दी गडेरिया कम्युनिटी। तो उसमें फ्रेंड पहला नाम आता है नीरूपाल का। तो नीरूपाल जो है फ्रेंड्स, ये MTV हसल एक शो है उस पर आई थी, ये रैप रियलिटी शो है और ये जो शो है ये MTV पर प्रसारित होता था। तो ये इसके 6th एपिसोड में आई थी 10 अगस्त 2019 को और ये एलिमिनेटेड हो गई थी 6th पोजीशन पर आकर। फ्रेंड ये एलिमिनेटेड हो गई थी, यानी कि ये टॉप 5 में तो अपनी जगह नहीं बन पाई लेकिन 6th पोजीशन पर इन्होंने बना ली थी। और ये फ्रेंड उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली हैं, जो कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो इनका प्रोफेशन रैपर है, इनके भी फ्रेंड यूट्यूब पर चैनल है और ये पहली फीमेल रैपर हैं उत्तराखंड की। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हैं हसल शो जो है MTV का, उस पर इनको प्रसारित किया गया था, आप यूट्यूब पर इनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे भी बहुत से और कलाकार हैं छोटे बड़े, जिसकी हम जैसे जैसे खोज करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरे जितने भी आपके यूट्यूब फेसबुक चैनल हैं या व्हाट्सअप है आपका, तो सभी पे शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये समाज टीवी पर भी आने लगा है, ये पावरफुल समाज है, किसी से दबा कुचला समाज नहीं है, इसके युवाओं में बहुत टैलेंट है और टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और ये टैलेंट जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आता जा रहा है टीवी पर, फिल्म्स में, मूवीज़ में, इस तरीके से। थैंक यू फ्रेंड।